नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अगले शनिवार यानी 17 अप्रैल को इन विधानसभा चुनावों का पांचवा चरण होना है। ये पांचवें चरण में कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ 24 परगना की 16 सीटें हैं उन पर वोट डाले जाएंगे और ये जो 16 सीटें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जो कि वहाँ पर सरकार बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका रखता है। तो राजनेता लगातार उन सीटों पे, उन क्षेत्रों में जहाँ पे पांचवें चरण में वोटिंग होनी है, लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, सारी जोर आजमाइश अपना रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, गृहमंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री मोदी हों और पार्टियों के स्टार प्रचारक हों, वो बस सभी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएँ कर रहे हैं। और उसी बीच आज एक और अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं अमित शाह के बयान के पहले ये बता दूं कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू नहीं हुए थे तब सिर्फ चुनाव की सरगर्मियां थीं, तब से ही जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो ये कहती आई हैं कि वो बंगाल में किसी भी बाहरी को राज नहीं करने देंगी, वो किसी भी बंगाल में बाहर के नेता को बंगाल की गद्दी पर नहीं बैठने देंगी। बाहरी से मतलब उनका मोदी, अमित शाह और जितने भी नेता हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का बहुत टाइम से जिम्मा सौंपा गया था, उस बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद एक बार फिर यही मुद्दा गरमाया कि वो बंगाल की गद्दी पर जो ममता बनर्जी हैं वो किसी को राज नहीं करने देंगी, किसी भी बाहरी को पश्चिम बंगाल की सत्ता पर नहीं बैठने देंगी। उसी के चलते आज अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दीदी कहती हैं कि वो बाहरी को बंगाल में नहीं आने देंगी। उन्होंने फिर यही बात रिपीट की कि ममता बनर्जी कहती हैं वो बाहरी को नहीं आने देंगी, कि उन्होंने बोला कि मैं गृह मंत्री हूँ, मैं अपनी देश की जनता से मिलने आया हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, अगर मैं अपनी देश की जनता से मिल रहा हूँ तो मुझे बाहरी कहना ये गलत है। इसी के साथ आज अमित शाह ने बाहरी होने की परिभाषा भी ममता बनर्जी को वहाँ से बताई है और ये कहें कि उन्होंने बंगाल में बाहरी होने की परिभाषा क्या बताई है, उन्होंने तो शायद बंगाल के जरिए कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधा है। तो सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है आज के अपने बयान में। गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि दीदी मुझे बाहरी व्यक्ति कहती हैं, वह पीएम को बाहरी व्यक्ति कहती हैं, दीदी मैं आपको बताता हूँ कि बाहरी व्यक्ति कौन है। अमित शाह ने बोला कि कम्युनिस्टों की विचारधारा बाहरी है जो रूस और चीन से लाई गई है। उसके बाद अमित शाह ने आके कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व बाहरी है जो इटली से लाया गया है। इससे सीधा सीधा यही कहना होता है कि अमित शाह जो हैं वो कांग्रेस के नेतृत्व जो इटली से लाया गया है इसके जरिए वो जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी उन पर निशाना साध रहे हैं। इसके आगे अमित शाह ने कहा कि टीएमसी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो टीएमसी है, टीएमसी का वोट बैंक बाहरी है, जो घुसपैठिए हैं वो बाहरी हैं, जो टीएमसी का पिछले 10 साल से वोट बैंक बनते आए हैं। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को पांचवें चरण की वोटिंग होनी है, उसके बाद 2 मई को पश्चिम बंगाल के चुनावों के नतीजे आएंगे। उसी बीच चुनाव की सरगर्मियाँ पश्चिम बंगाल में कुछ इस कदर तेज हैं कि सारे नेता, मंत्री, बड़े बड़े स्टार प्रचारक पार्टियों के अपनी भाषाओं की मान मर्यादा सब भूल गए हैं, सिर्फ वही बचा हुआ है कि जो वो बोल रहे हैं वही सही है, जो वो कर रहे हैं वही सही है। इसके पहले भी ममता बनर्जी ने कुछ बयानबाजियां की थी जिसके बाद 24 घंटे का बैन चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर लगा दिया था। उसके बाद चुनाव आयोग से नाराज होकर आज ममता बनर्जी जो हैं धरने पर बैठी हैं, एक व्हील चेयर के सामने एक टेबल है, टेबल पर वो पेंटिंग्स बनाती जा रही हैं और उनका धरना जारी है। उसी के बाद शायद एक बीजेपी नेता है जिन पे भी चुनाव आयोग ने 48 घंटे के प्रचार पे बैन लगा दिया। अब देखना होगा कि जो आज गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिए हैं उन पे चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। नमस्कार।